कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो, इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूँ वो हमारी खाता है या हम उसकी। इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहाँ से आ गई? तो ये है ब्रिगेडियर, आप यहाँ अचानक आ पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं। कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये ना समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना, आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा, आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता, और जहां तक हमारा ताल्लुक है हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। रियली? गुड मॉर्निंग अंकल। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में बात समझो, हिंदी में। तुम ये बताओ तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पिताजी, अंकल तो ऊपर बैठे हुए हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। राधा, तुम्हारे पिताजी बड़े उखड़े हुए लगते हैं, लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मिनिस्ट्री। अरे रॉन्ग हो या राइट, यही समझना होता तो मैं भी तुम्हारी तरह खादी के कपड़े पहन लेता। अरे सरकारी लेटर से मुझे क्या लेना देना? देखो तुम अभी से इतने ढीले पड़ जाओगे तो पूरी सरकार को भारतवर्ष से कैसे खत्म करोगे? वो वागले, ये ऐसा बंकर है जिसका आता पता सिर्फ हमें या एक हमारे खास आदमी खबरी लाल को है, और आज से तुम्हें होगा। ये इतना मजबूत है कि इस पर ना तो कोई हवाई हमले का असर हो सकता है और ना किसी बम या बारूद का। दुश्मन तो क्या, हमारी इजाजत के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वागले आओ, अब हम तुम्हें अपने बंकर से वाकिफ करवाएं। ये रहा हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन, यहां से हम हिंदुस्तान के किसी भी मिनिस्टर से जब जी चाहे हॉटलाइन पर बात कर सकते हैं, लेकिन आसमान वाले ने चाहा तो इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हम अकेले ही तुम्हारे साथ वागले सब कुछ संभाल लेंगे। और वो देखो, वो एक कमरा जिसमें सब हथियार रखे हुए हैं, और उस कोने में रहा हमारा अस्पताल। यहां हर लाए दुश्मन का सीटी स्कैन करके उसकी अंदरूनी बीमारियों को बाहर निकाला जाता है। मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब, मैं सच कहता हूं, मैं प्रलयनाथ के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे छोड़ दीजिए ब्रिगेडियर साहब। और छोड़ तो तुम्हें जरूर देंगे, लेकिन तुम मोटे बहुत हो, थोड़ी चर्बी कम होने के बाद। यह अस्पताल मेरे हवाले कर दीजिए सर, चर्बी कम करने के बहुत से तरीके मुझे मालूम। हाँ गुड वागले। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल? शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है।
आज के समाचार समाप्त हुए। चौबे गंगवा, ये माल जो तू आसाम और यूपी भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये नंबर वन फसल है, नंबर वन। अरे 25 मीटर दूरी पर जाती हुई गाड़ी को ये ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और आसाम में आतंक फैलाने के लिए ये माल तो ठीक है, पर मुझे वो माल बता जो ब्रिगेडियर सूर्य देव सिंह को उसकी गाड़ी के साथ जलाकर उसे राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा सा हापुस, जो 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरते ही ऐसा फटता है कि मरने वाले की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। ये देखिए, तुम लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीचड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। लाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे मैं जानते हो, बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो, मैं जीवन लाल बोल रहा हूँ, जीवन लाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए क्या हुकुम है सर? मुझे सिर्फ एक घंटे में ये बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहाँ हैं, और मुझे चार घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाईकमान का ऑर्डर है। वो रहता कहाँ है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहाँ है, मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूँ। सर वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। सर ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना एक एक मिनट दूसरों को दे चुके हैं,
दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूँ, वो हमारी खाता है या हम उसकी? इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहाँ से आ गई? तो ये है ब्रिगेडियर, आप यहाँ अचानक आ पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं। कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये ना समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना, आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा। आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। रियली? गुड मॉर्निंग अंकल। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में बात समझो, हिंदी में। तुम ये बताओ, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? पिताजी, अंकल तो ऊपर बैठे हुए हैं, आप ही का इंतजार कर रहे हैं। राधा, तुम्हारे पिताजी बड़े उखड़े हुए लगते हैं। लगता है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द मिनिस्ट्री। अरे रॉन्ग हो या राइट, यही समझना होता तो मैं भी तुम्हारी तरह खादी के कपड़े पहन लेता। अरे सरकारी लेटर से मुझे क्या लेना देना? देखो, तुम अभी से इतने ढीले पड़ जाओगे तो पूरी सरकार को भारतवर्ष से कैसे खत्म करोगे? वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑफिसर है और हमें पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ लड़ना है। भूल जाओ सारी बातें और फाड़ दो वो लेटर। देखो, उसका ट्रांसफर ना हो तो ना सही, उसकी बातें हमें पता न चले तो न सही, लेकिन उसकी मौत का बंदोबस्त तो मैं कर सकता हूं। प्रलयनाथ, वो मर गया तो ये नेता भी कुर्सी समेत जल गया, समझो। वो मरेगा भी और तुम कुर्सी के साथ जियोगे भी। अब किसके बारे में जलर साहब? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की। मारे जाने वाले पुलिस के उन शहीदों की याद में ये ज्योत बनाई गई है जिन्होंने कानून की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री जीवनलाल टंडेल हैं। और इस ज्योत का उद्घाटन एक महान योद्धा परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के हाथों से होगा। वेलकम, वेलकम, प्लीज। Thank you.
ये आपने क्या किया? फायरिंग ऑर्डर क्यों दिया सर? आपकी एक गलती से कितनी जाने गई, इसका जवाब कौन देगा ब्रिगेडियर साहब? मिस्टर तिवारी, इसका जवाब अब ब्रिगेडियर को ही देना होगा, और वो भी अदालत में। योर ऑनर, शहीद स्मारक पर हुए गोलीकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं। इन्हीं के कहने पर गोली चलाई गई जिसमें कई बेगुनाह लोग मारे गए। अब मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस हादसे को साबित कर देंगे। सबसे पहले मेरे गवाह हैं म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर एम के तिवारी। योर ऑनर, अब हमारा आखिरी एक ऐसा चश्मदीद गवाह है जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं कर सकता, और वो है इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, शहीद स्मारक पर जो भी कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ। मुझे इस बात का ताज्जुब है और अफसोस भी है कि ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह जैसे जिम्मेदार और सुलझे हुए अफसर ने ऐसा कदम क्यों उठाया जिससे निर्दोष लोग मारे गए। इस हत्याकांड के जिम्मेदार ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ही हैं।